लूसिफर वर्सेस साइतामा, क्या लगता है गाइस कौन जीत सकता है इन दोनों के बीच की बैटल में, जहां एक तरफ लूसिफर जो कि हेल का रूलर है, तो वही दूसरी तरफ साइतामा जिसको हम लोग वन पंच मैन के नाम से भी जानते हैं, जो कि सिर्फ अपने एक पंच का यूज करके बड़े से बड़े अपोनेंट को डिफीट कर सकता है। बट इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है एंड कौन जीतेगा अगर ये दोनों आपस में फाइट करे तो, सो इसी का आंसर आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए एंड बगल में बेल आइकन भी होगा उसको भी दबा देना, ताकि आप हमारे वीडियोस के फ्यूचर में आने वाले नोटिफिकेशंस मिस ना कर पाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो पहले अगर मैं बात करूं साइतामा की, साइतामा पोजेस करता है इमेजरेबल स्ट्रेंथ। वैसे तो वो अपने किसी भी अपोनेंट को सिर्फ अपने एक सिंगल पंच से डिस्ट्रॉय कर देता है, कॉज उसका कोई भी अपोनेंट कभी भी उसके एक पंच से ज्यादा टिक ही नहीं पाया है, सिवाय कुछ को छोड़ के। उसकी जो पावर्स का ट्रू एक्सटेंड है वो अभी भी अननोन है। इसके अलावा वो सिर्फ अपने एक पंच से ही शॉक वेव क्रिएट कर सकता है, और वो जो शॉक वेव है वो इनसेनली स्ट्रॉन्ग होती है, लिटरली हर चीज को अपने पाथ में डिस्ट्रॉय कर देती है। वो लीपिंग यानी कि हल्क की तरह बहुत ऊंचे ऊंचे जंप्स कर सकता है और एक जंप से काफी लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। उसकी स्पीड भी इमेजरेबल है, यानी कि वो इतना फास्ट है कि उसके आफ्टर इमेजेस भी दिखने लगते हैं। सोनिक के फास्ट एंड पावरफुल अटैक्स तो उसके सामने कुछ थे भी नहीं। इसके अलावा उसकी जो एजिलिटी है वो भी इमेजरेबल है। उसके सेंसेस और रिफ्लेक्सेस भी बहुत अच्छे हैं एंड उसका जो रिएक्शन टाइम है वो तो कमाल का है। वो एक फाइट में कभी भी थकता नहीं है, यानी कि उसकी बॉडी फटीग टॉक्सिंस को जनरेट नहीं करती है एंड वो काफी लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकता है किसी भी फाइट में। वो अपने पेन को सप्रेस कर सकता है। इसके अलावा वो सारे टाइप के साइकिक अटैक्स से इम्यून है। उसके ऊपर किसी भी टाइप के साइकिक अटैक्स का असर नहीं होता है। उसकी लंग कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी है एंड वो किसी भी टाइप के वैक्यूम में अडैप्ट कर सकता है, यानी कि स्पेस में भी वो सर्वाइव कर सकता है। उसके ऊपर टेम्परेचर का कोई भी असर नहीं होता है। इसके अलावा वो एक अडैप्टिव फाइटर और मास्टर है इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट। उसको बहुत सारी फाइटिंग टेक्निक्स और स्टाइल्स आते हैं जिनका यूज वो अपने फाइट में बहुत बार करता है। उसके पास इनडोमिनेटेबल विल भी है, यानी कि वो किसी भी फाइट से कभी पीछे नहीं हटता है। अब अगर मैं उसके पंचेस की बात करूं तो वो भी उसके डिफरेंट टाइप ऑफ पंचेस हैं, जैसे कि नॉर्मल पंच, सीरियस पंच, सीरियस हेडबट, सीरियस टेबल फ्लिप और भी बहुत कुछ। एंड यस, साइतामा इतनी स्ट्रेंथ तो पजेस करता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो ये तो हमने बात कर ली दोनों ही कैरेक्टर्स के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। एंड अब अगर मैं बात करूं लूसिफर की, तो लूसिफर हेल का रूलर है एंड मैंने पहले भी बताया था वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एंजल्स में से एक था एंड उसका जो पावर लेवल है वो लिटरली गॉड लाइक है। उसकी सारी एबिलिटीज गॉड लाइक है एंड उसकी स्पीड भी लिमिटलेस है। वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। उसको सिर्फ चोट पहुंचाने के लिए ही डिवाइन वेपन्स का यूज करना पड़ेगा एंड सिर्फ ऐसे वैसे डिवाइन वेपन्स नहीं, बहुत ज्यादा पावरफुल डिवाइन वेपन्स। एंड सबसे बड़ी बात, वो एक इमॉर्टल बीइंग है, यानी कि उसको मारा नहीं जा सकता है। वो बिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड है, जिसके कारण एक फाइट में उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। वो सारे डिजीजेस एंड टॉक्सिन से भी इम्यून है एंड उसकी बॉडी को, जैसा कि मैंने बताया, हार्म करना लगभग इम्पॉसिबल है। एंड अगर उसको हार्म कर भी दिया गया तब भी उसका जो रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है वो उसको काफी हेल्प करता है किसी भी फाइट में। वो कुछ सेकंड्स में ही दोबारा रीजनरेट हो जाता है। लूसिफर मॉर्निंग स्टार बेसिकली अपने एक नॉर्मल फॉर्म में रहता है, यानी कि ह्यूमन फॉर्म में, बट यस उसका एक डेविल फॉर्म भी है जिसमें जाने के बाद उसकी सारी एबिलिटीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। वो ट्रूली एक डेविल बन जाता है। एंड इसके अलावा उसके पास भी बहुत सारी नोटेबल पावर्स हैं, जैसे कि वो दूसरों के माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उनकी डिजायर्स को फुलफिल कर सकता है, दूसरों को पजेस कर सकता है। उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस है, यानी कि मल्टीवर्स में जो कुछ भी चल रहा है उन सब चीजों के बारे में लूसिफर को मालूम है। एंड वो शेप शिफ्टिंग भी कर सकता है, अपने विल के हिसाब से ही किसी भी बींग का शेप ले सकता है। वो फ्लाइट यानी कि वो उड़ भी सकता है एंड उसके लिए उसके पास बहुत ज्यादा बड़े बड़े विंग्स हैं, जो कि उसके एंजल विंग्स हैं। वो किसी भी डायमेंशन में बहुत इजीली ट्रेवल भी कर सकता है एंड यस वो किसी मरे हुए को जिंदा भी कर सकता है, यानी कि एक तरीके से रिजरक्शन। वो उनकी सोल्स को हेल्थ से निकाल के किसी की बॉडी में डाल सकता है एंड उस बॉडी को दोबारा से रिजरक्ट कर सकता है। सो इससे तो आपको लूसिफर की पावर्स एंड एबिलिटीज का अंदाजा लग ही गया होगा। सो ये तो हमने बात कर ली दोनों ही कैरेक्टर्स के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। एंड अब अगर मैं बात करूँ कि कौन जीत सकता है इन अ बैटल बिटवीन लूसिफर एंड साइतामा, तो गाइस मेरे ओपिनियन के हिसाब से लूसिफर हरा देगा साइतामा को। बेशक साइतामा बहुत पावरफुल है बट लूसिफर को मारा नहीं जा सकता है। साइतामा ड्यूरेबल बहुत है बट उसको मारा जा सकता है, वो एक ह्यूमन है आफ्टर ऑल, बट लूसिफर को मार पाना इम्पॉसिबल है। अगर साइतामा ने लूसिफर को हार्म भी कर दिया तब भी लूसिफर मरेगा नहीं एंड लूसिफर के पास फिजिकली यूज करने के अलावा भी बहुत सारी मैनिपुलेटिव पावर्स भी हैं, जिनका यूज वो साइतामा पे करके उसको आराम से डिफीट कर सकता है। बट गाइस आप लोग क्या सोचते हैं, कौन जीतेगा इन दोनों के बीच की बैटल में, मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड नाउ थैंक्स वॉचिंग।